नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऑप्शंस और बताने जा रहा हूँ गिटहब के अलावा। जैसे कि हम जानते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ गिटहब क्या है। बेसिकली गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने सोर्स कोड को, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, जो भी आप अपना कोड डिजाइन करते हो, उस कोड को आप एक सिंगल लोकेशन पे आप डाल सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं इन योर डिफरेंट यूजर्स। जनरली क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनता है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल लोग एक साथ काम करते हैं। तो मल्टीपल लोग एक साथ काम कैसे करेंगे एक ही सिंगल कोड के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। रिपोजिटरी का मतलब हो गया एक कोड का प्लेस जहां पर आप अपने कोड को रखते हैं, ठीक है। और उस कोड को रखने के बाद आप उसे शेयर करते हैं अमंग योर डिफरेंट डेवलपर्स। तो डेवलपर्स क्या करेंगे कि उस रिपोजिटरी के कोड को अपने लोकल सिस्टम पे डालेंगे और डालने के बाद वो अपने कोड में चेंजेस करते हैं और जो भी वो चेंजेस करते हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करते हैं ओरिजिनल रिपोजिटरी के ऊपर। तो ये एक हमारा गिटहब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। बेसिकली मैं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज यहाँ बनाने जा रहा हूँ गिटहब के ऊपर, जिसके अंदर आपको गिटहब से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को, रिपोजिटरी को डिप्लॉय करते हैं गिटहब के ऊपर और उसे किस तरीके से शेयर करते हैं, किस तरीके से मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं, उसे यूज में लेते हैं, तो वो एक गिटहब का कंप्लीट मैं वीडियो सीरीज यहाँ बनाऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको दो ऑप्शन और यहाँ बताना चाहूंगा जो गिटहब के अलावा है। यानी कि अगर आप जाके देखें तो एक आपके पास होता है बिट बकेट। ओके, बिट बकेट इज ए अनदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर आप लगभग सिमिलर आप काम कर सकते हैं जिस तरीके से आप गिटहब पे करते हैं। यानी कि आप अपनी रिपोजिटरी को डाल के आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स और ये कंप्लीटली फ्री है। ओके, बट इसके अगर आपको बहुत ही ज्यादा कुछ एडवांस फीचर्स अगर आपको चाहिए हो तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज gitlab.com, बट मैं आपको फिर दोबारा से कहना चाहूंगा इसकी मैक्सिमम सर्विसेज आपकी पेड सर्विसेज होती हैं। कुछ इसकी सर्विसेज हैं जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी हमेशा वो गिटहब की रहेगी। ओके, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्लान के अंदर, तो आप वहां से कर सकते हैं। ऐसे आप कॉर्पोरेट अगर गिटहब को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ प्राइसिंग और उसके प्लान दिए हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग आपकी ये रहती है। बट अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसके बारे में हम इसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसके पेड के अंदर क्या बेनिफिट रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या बेनिफिट रहता है वो भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। आई थिंक ये आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो कंटेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।